वन कि आपको पता है वो कौन सा स्टेट है जहां ब्रिटिश इंडिया का पहला कैपिटल था या आपको पता है वो कौन सा स्टेट है जहां पे पहला कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था या वो कौन सा स्टेट है जहां पे फर्स्ट मेट्रो स्टार्ट हुई थी ये स्टेट इज वेस्ट बंगाल सो हेलो एवरीवन माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलएक्स आज मैं फिर से आई हूँ हमारी सिलेबस एक्सप्लेनर सीरीज के साथ और मैं स्टेट कौन सा टेकअप करने जा रही हूँ वो तो आपको पता ही चल गया होगा ये वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेस्ट बंगाल सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले आते हैं स्टेज इस पे जैसे कोई भी सिविल जज का एग्जाम होता है वैसे वेस्ट बंगाल के भी सिविल जज का एग्जाम तीन स्टेजेस में होता है द फर्स्ट राउंड इज द प्रिलिमिनरी सेकेंड राउंड मे एग्जामिनेशन का होता है और थर्ड राउंड होता है पर्सनल इंटरव्यू का अब इन राउंड्स को हम वन वन बाय इन डिटेल डिस्कस करते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पैटर्न और सिलेबस तो पहले बात करते हैं पैटर्न की पैटर्न क्या इस होगा इस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे टू हर क्वेश्चन एक मार्क का होगा तो टोटल मार्क्स भी हो जाएंगे 200 लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलेंगे टू एंड हाफ आवर्स अब आते हैं सिलेबस पे यहाँ का सिलेबस तीन पार्ट में डिवाइडेड है इंग्लिश जी और लॉ इंग्लिश आता है थर्टी मार्क्स का जनरल नॉलेज आता है फोर्टी मार्क्स का और लॉ जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है दैट इज वन मार्क्स वो इंक्लूड करता है लॉ अब इस सिलेबस को भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं सबसे पहले आते हैं इंग्लिश पे जो की थर्टी मार्क्स का है ये जो पूरा सिलेबस है ये टेंथ लेवल के ग्रामर का है इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे वोकैबुलरी फ्रेजेस वन वर्ड एक्सेट्रा अगर आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है तो आप टेंथ लेवल के ग्रामर पढ़ सकते हैं या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप है एलेक्ट फॉर जुडिशरी इस तरह से कैसे आप सर्च करोगे अगर आप एंड्रॉयड यूजर है तो, तो आपको ये ऐप आप मिल जाएगी इसको आप डाउनलोड करिए जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे और आप लॉग इन करेंगे तो आपको एक बैच में ऐड कर दिया जाएगा दैट इज फ्री कंटेंट फॉर जुडिशरी इसमें हमने एक पोर्शन बना के रखा है स्टडी मटेरियल इसमें आपको जितना भी मैंने अभी बताया वो कैबुलरी फ्रेजेस वगैरह उससे रिलेटेड कंटेंट मिलेगा साथ ही साथ ही जो मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ इसका पीडीएफ भी आपको हमारे फ्री कंटेंट बैच में मिल जाएगा चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं सिलेबस के आगे के पार्ट को जो दूसरा पार्ट है वह जनरल नॉलेज का ये फोर्टी मार्क्स का आएगा इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे करेंट अफेयर स्टैटिक जीके से अब वेस्ट बंगाल का जो लोकल जीके है वो भी पढ़ लीजिए या जो वहां पे करंट एक्टिविटीज हो रही है वो भी पढ़िए और कुछ पार्ट आपको रीजनिंग का भी मिल सकता है अब चलिए कॉन्टिन्यू करते हैं लॉ पार्ट पे तो जो लॉ का पार्ट है वो वन मार्क्स का है और उसमें सब्जेक्ट का बाइफोकेशन इस तरीके से है कॉन्स्टिट्यूशन से आपको ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट और टॉट को मिलाकर आपको 20 मार्क्स से मिलेंगे एविडेंस से 20 मार्क्स सीपीसी से 20 मार्क्स सीआरपीसी और आईपीसी को मिलाकर के 20 मार्क्स पर्सनल लॉ से आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे और लिमिटेशन से अगेन आपको 20 मार्क्स से क्वेश्चन मिलेंगे और प्रिपेयर अकॉर्डिंगली हम आते हैं नेक्स्ट राउंड पे जो की है मेन्स एग्जामिनेशन का अगेन इसे मैंने डिवाइड किया है पैटर्न और सिलेबस में तो पहले डिस्कशन करते हैं हम पैटर्न के बारे में पैटर्न क्या होगा डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा सारे मीन्स डिस्क्रिप्टिव ही होते हैं अब आते हैं नंबर ऑफ पेपर्स में वो वेरी करता है दूसरे स्टेट से यहाँ पर इन टोटल आपको एट कंपल्सरी पेपर्स करने होंगे और तीन ऑप्शनल पेपर्स करने होंगे इन तीन ऑप्शनल पेपर को चूज करने के लिए आपको टोटल आठ सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है उसमें से कैंडिडेट को तीन पेपर चूज करने हैं हर पेपर हंड्रेड मार्क का होगा तो टोटल इलेवन पेपर्स है तो टोटल जो मार्क्स है वो इलेवन हो जाएंगे और हर पेपर लिखने के लिए आपको तीन घंटे का टाइम मिलेगा अब आते हैं मीडियम पे मीडियम आप इंग्लिश या बंगाली में से कोई भी ले सकते हो अनलेस अदरवाइज डिरेक्टेड अगर पेपर में डायरेक्शन दिया है कोई और लैंग्वेज यूज करने का भी तो आप वो भी कर सकते हो लेकिन लैंग्वेज पेपर्स रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में ही होंगे अब आते हैं सिलेबस पे तो इसका जो सिलेबस है कंपलसरी पेपर के लिए आठ अलग पेपर्स हैं और ऑप्शनल पेपर के लिए तीन है जो कि आपको एक में से ऑप्शनल चूज करने हैं अब इनको भी इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के कंपलसरी पेपर्स पे तो जो पहला कंपलसरी पेपर है वो है इंग्लिश कॉम्पोजिशन एस और प्रेसी राइटिंग का जो दूसरा पेपर है उसमें से आप इन लैंग्वेजेस में से कोई भी एक कॉम्पोजिशन लिख सकते हैं दैट इज बंगाली हिंदी उर्दू नेपाली एंड संतली एक ऐसे लिखने के लिए आएगा और आपको ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश से एनी ऑफ दी फॉलोइंग लैंग्वेजेस मतलब इंग्लिश से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं बंगाली और हिंदी और उर्दू और नेपाली और संतली फिर एक पेपर होगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का एक पेपर होगा सीपीसी का एक होगा सीआरपीसी का along with इंडियन Penal कोड एक होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का एक होगा लॉ ऑफ Contract along with torts, और एक होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पेपर अब आते हैं दूसरे राउंड पे मेंस एग्जामिनेशन के ऑप्शनल पेपर्स पे यहाँ पर आपको एट सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है इसमें कैंडिडेट को आउट ऑफ दीज एक थ्री पेपर सिलेक्ट करने हैं तो लिस्ट कैसी है सबसे पहले हिंदू लॉ फिर है मुस्लिम लॉ फिर है विद ज्यूरोपल्स ऑफ लेजिस्लेशन फिर है इंडियन लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज एंड इंश्योरेंस इंश्योरेंस मतलब कंपनी लॉ लॉ और फिर है लॉन्सिपल्स ऑफ इक्विटी ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पार्टनरशिप एक्ट लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन और फिर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इन एट सब्जेक्ट में से आपको कोई भी तीन सब्जेक्ट अपने चॉइस के चूज करने हैं तो आप वो कर सकते हो अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे नेक्स्ट राउंड है जो कि लास्ट राउंड है वो है पर्सनालिटी टेस्ट का राउंड यहाँ पर प्रिलिमिनरी में आपने जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं दैट मैटर क्योंकि वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स को टोटल करके लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली मैंशन किया हुआ है कि यहाँ पे कमीशन uh, का डिस्क्रिप्शन होगा एग्रीगेट निकालने का और इंटरव्यू किस तरीके से होगा इंटरव्यू होगा जनरल नेचर का यहाँ पर आपसे लीगल अकेडमिक्स के बारे में लीगल नॉलेज के बारे में स्टैटिक करेंट जीके आपकी पर्सनालिटी किसी से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उस स्टेट के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ लीजिए वहां के स्टैटिक और करंट इवेंट्स वो सो ये था हमारा पूरा सिलेबस वेस्ट बंगाल जुडिशरी के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनपे कनेक्ट करिए कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए थैंक यू